ये भी है। हाय मनी, इतना खाओगे? तो ये रहे यहाँ के दामाद, आराम से लंबा चौड़ा होए हुए हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे आए? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। एंड अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं सो के उठ चुकी हूँ। आज बहुत जल्दी मैं उठी हुई हूँ बिकॉज आज मुझे अपनी नानी के यहाँ जाना है। वहाँ पे एक छोटा सा फंक्शन हो रहा है गृह प्रवेश का। मेरे मामा जी जो है वो उन्होंने घर बनाया हुआ है तो वहाँ पे जाना है। तो आज उसी बहाने सबसे मिलना भी हो जाएगा मेरे को अपनी नानी के यहाँ पे। नाना नानी दोनों से भी मिल लूँगी। और ये मेरी बहिनियाँ हैं जो ये कल बीमार थी, इसको बहुत तेज फीवर होया हुआ था एंड अभी ये बिल्कुल ठीक है। काजल अच्छा हेलो नहीं करेगी? हेलो नहीं करेगी? अच्छा उसका गला बैठा हुआ है तो तुम्हारा चिड़िया वाला आवाज थोड़ी ना होगा। तू आ जा बस। काजल जल्दी आ। ये रहा मुंह पोछ के। तो मेरी बहनियां आ गई है। गुड मॉर्निंग करो। गुड मॉर्निंग। अभी ये भी आने वाले हैं, मे बी ये 10 बजे तक पहुंच ही जाएंगे। ये मुझे कह रहे थे मैं 12 बजे तक आऊंगा। मैंने कहा जब पूजा 8-9 बजे स्टार्ट हो जाएगा फिर हम 12 बजे जाके क्या करेंगे, वैसे ही आधा दिन तो निकल ही जाना है, तब जाके इतना कुछ बोले। तब वो कहते अच्छा ठीक है फिर 10 बजे पहुंच जाए। लड़कों का तो मुझे समझ नहीं आता अपने ससुराल जाने के नाम पे इतना रोते क्यों है, जबकि उन्हें तो कुछ बोला भी नहीं जाता। फिर भी पता नहीं क्या होता है, ऐसा लगता है जैसे उनसे भर भर के बहुत सारा काम करवाया जाता है यहाँ पे आने के बाद। सिर्फ इन्हीं का नहीं, हर एक लड़के को ना अपने ससुराल जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है और दूसरे के ससुराल जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैं सो के उठी हुई हूँ एंड अभी मुझे तैयार होने के लिए जाना है, तो मैं अब मिलती हूँ आपसे तैयार होने के बाद। तो ये रहे यहाँ के दामाद, आराम से लंबा चौड़ा होए हुए हैं। वैसे आज अब बड़ा स्मार्ट बन के आया है, कुछ विचार उचार है। इसने है ये कपड़ा डाले थे 3 दिन पहले, वो आज ये डाले है, कोई स्मार्ट बन के नहीं आया। चश्मा वो हुए है, समझ गई, तुमने लेकर हम फाउंडेशन नहीं पोत के आए। ये राम बद, खुद का थोपड़ा देख लो, फाउंडेशन पोत लिए बड़का। हम नो लगाए फाउंडेशन। ये मेरी बहनिया हंस रही है, इधर ही मेरा भैया। तुम अपना भी वो थोपड़ा दिखा लो पहले। मेरे फेस पे फाउंडेशन नहीं है, नहीं ना है, आप लोग कमेंट में बताना। तो पता लग ही रहा है। तन को भी फाउंडेशन नहीं है। सूत गए? नाटक जो कर रहे है सूते वाला, हुई तो आप ऐसा ही नाटक करते होंगे। आई प्रशांतवा के पता है राते पापा 4 बार आवाज लगाए हैं, एको दा जवाब नहीं दिया, सुन सुन के अंठियाया हुआ था। हाँ सही बोल रहे हैं। तो उनका आवाज है। आ जा छोटी, बहुत आवाज है। छोटी आ जा बैठ जा, बहुत ज्यादा है आवाज के पास। हमको नींद आ रहा है, हम नहीं जाएंगे। चलिए ना मनी प्लीज जल्दी, क्या नाटक कर रहे हैं, चलिए उतारिए ना। हम आए हुए हैं मामा जी के घर पे, यहाँ पे गृह प्रवेश का पूजा है। 9 साल के बहुत छोड़, उतना तो होता है तो नौकरी सर्विस वाला खोजोगी तो ना, सर्विस वाला हम नहीं करेंगे उतना ही जोर। ये रहा यहाँ पे ब्यूटी की शादी के बारे खिचपिच कुछ ना कुछ चल ही रहा है। क्या ब्यूटी करना है? हाँ बोल दो मम्मी को कि हाँ कर दो, जिससे भी करना है बोलो तो। ऐसा बोलेगी तो नहीं ना करेगी, अरे ऐसा ना मत करो। कहाँ भाग रही है? आओ ना इधर। हेलो ये बोल दो, ये रहे मेरे मामा जी का बेटा। कहाँ गया था तुम? अंदर जाओ पूजा। अभी अभी घर में गैया आने वाली है तो हम लोग पहले ही निकल लेते, नहीं तो गैया हम दोनों को उड़ा उड़ा के इधर से उधर फेंकेगी, बस खांसी रही है। हेलो ये कर दो।
हेलो, एक और भी है मेरी फ्रेंड, वो आगे चली गई है। आज ये भी है मामी की सिस्टर। और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती, मेरे को नहीं पता। बस अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद ना, बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ चले? मामा जी का फेवरेट डॉग। और ये नाना जी, नाना जी गुस्से में क्यों देख रहे हैं? नाना जी ना, जब हम छोटे छोटे थे ना, तो नाना जी पढ़ाते थे हम लोगों को, सीरियसली पढ़ाते थे। ये टीचर है मेरे छोटे वाले नाना जी। गैया, और अभी ये अंदर जाएगी, इसलिए हमें हट जाना चाहिए। गैया हम लोगों को डरा रही है। मामा जी का नया हाउस बहुत ही प्रिटी सा है, बहुत सुंदर है। और यहाँ पे सारा अंदर में कुछ ना कुछ बिखरा हुआ ही है। जब यहाँ पे गृह प्रवेश होता, मम्मी उम्र तो ये रहे। और ये है मेरी नानी, मेरी प्यारी नानी, मेरी नानी। बैठो बैठो, कोई बात ना नानी, वीडियो बना रहे थोड़ा सा। आप भी नानी? नानी हाँ, ये नानी है। ये भी नानी, ये वो भी नानी है। नानी मेरी नानी बार बार गुस्सा कर कर के, वो भी नानी, समझ गए। और इसके अंदर में एक ये है, ये किचन है। और ये किचन हो गया, और ये ड्रेसिंग मतलब खाना पीना खाने वाला एरिया हो गया यहाँ पे, है ना। यहाँ पे खाना पीना खाने के लिए, अभी ये नया नया घर है इसलिए सारा कुछ न्यू सामान यहाँ पे वैसे ही पड़ा हुआ है। और एक ये है यहाँ पे, ये बेडरूम है एक तरह से, इसको हम गेस्ट हाउस भी कह सकते हैं। यहाँ पे गेस्ट रुकने के लिए है। मामा जी के रूम पे ही आ गए वहां से, क्योंकि गैया भी अंदर जाने वाली है। तो गैया अंदर जाएगी तो हम सब कहाँ पे जाएंगे, इसलिए हम बाहर आ गए। हाँ ये बच्चा है जो अभी पूछ रहा है मेरे से कि ब्लॉगर व्लॉगर है क्या। हाँ ब्लॉगर है। ये मेरी छोटकी बहिनिया है जो बहुत चपड़ चपड़ किए जा रही है। अभी गला खराब इसलिए नहीं कर रहा। अच्छा गला खराब है इसका। हाँ मैंने बताया ही था, इसका तबीयत खराब था कल, इसका छुप नहीं रहता इसलिए अब तुमको अब हम कट करते हैं, इसलिए अब हम उसको नहीं रखेंगे। का फ्लावर पॉट बहुत प्यारा लग रहा है। मामा जी का छत है, और यहाँ पे अभी खाने पीने का तैयारी हो रहा है। ये यहाँ से आसपास का एरिया दिख रहा है। ये रही निशू, निशू ये कौन सा रूम है? भंडार रूम, एक तरह से ये भंडार रूम ही है ना। ये अभी भंडार रूम है, और इधर मेन हाईवे। मैंने मामा जी का पूरा होम टूर बना ही दिया एक तरह से, बस लोगों को दिखाना बाकी है। एक्चुअली यहाँ पे इतना ज्यादा भीड़ है, हम आपको एक एक लोगों को नहीं बता सकते हैं। बाकी का मैं अपने नानी का होम टूर हम थोड़ी ही देर में बनाएंगे। है मेरे मामा जी, मामी जी, और ये नाना जी है, ये उनका बेटा। घूम घूम के हम सबकी हालत खराब हो गई है। एक और है, एक मैं हूँ, और ये बैठ गए ब्लॉगर, और मेरी सिस्टर, और ये लोग चेपे चेपे बिना मतलब के गए हैं सब। और ये रही मेरी मामी की बेटी क्यूटी। आज हम बिहार में है तो टोटली बिहारी लैंग्वेज। ये है ना, ये है हमर मम्मी, ये है हमर मौसी, ये फेमस होने गया आगे। ये मेरी सिस्टर, बाकी सबसे आप मिल चुके हैं, मम्मी से भी आप मिल चुके हैं, बट मम्मी के फ्रेंड से नहीं मिलवाए थे। मम्मी कह रही थी तनका हमरो वीडियो बनो ना, हमरो बहिन से के फोटो ले ले।
अरे अंदर पूजा हो रहा है तो थोड़ा बहुत वो भी हम दिखा देख सकते हैं। यहाँ पे दिया जल रहा है, ये है सोनू मामा छुटकी, अंदर पूजा पाठ हो रहा है। काडू हाँ मामी का है, हाँ। मेरे भाई को समझा समझा के थक गए। वो रहे मेरी मामी और यहाँ पंडित जी है। यहाँ पे सारा पूजा पाठ का तैयारी हो रहा है। आगे अभी ये पूजा पे बैठ गए। जल्दी पंडित जी नानी बहुत दूर से संक्रांति दिन प्रवेश होते के नतीन दमाद अभी व्लॉग में आ चुके हैं। मनी जी आपके बगैर पता है व्लॉग अधूरा था, बट मजा आ रहा था क्या? अच्छा मेरे को लगा शायद ऑफिस से छुट्टी ले रखे हैं और तो फ्रेंड्स अभी इवनिंग टाइम हो गया, तो आप सभी को वेरी गुड इवनिंग। एंड हम सभी अभी गंगा जी जा रहे देखने के लिए। तो आज से जैसा हमने 5-6 साल पहले हमने ये गांव देखा है, अभी भी ये गांव बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, बिल्कुल भी नो चेंजिंग। तो अच्छा लग रहा है देख के, खुशी हो रही है, बचपन की यादें ताजा हो जाती है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, मैंने मनी को एक बार भी नहीं बताया कि मैं गंगा जी जा रही हूँ देखने के लिए। अभी उनको पता लग गया ना तो वो गुस्सा के मारे लाल पीले हो जाएंगे। चल लो नानी सब आगे, बुढ़िया की तरह चल रही है तुम लोग, जा राम बोल रहे आराम से फोन में घुसे हमको नहीं मालूम। तो ये रहा हमारी मेरी नानी का घर और यहाँ का खेत खलिहान। फोन में बेचारी इतने मगन है कि पता ही नहीं लग रहा कि मैंने 2-4 बात बोला और वो सुने भी नहीं। मेरी नेपालिया बहन जिसको कुछ पता नहीं लग रहा है और फोन पे आगे जा रही है और ई सब बथेसर के नियर दांत फाड़ ले हा 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 की हुई है। यहाँ का ये गवर्नमेंट स्कूल है, ये गवर्नमेंट स्कूल है। यहाँ पे मैं 1-2 बार आई हुई हूँ इस स्कूल में। यहाँ के टीचर चलो अच्छे हैं, सारे टीचर ही अच्छे हैं। ये रहा गंगा जी, हम गंगा जी पहुँच गए। तो अभी हम गंगा जी पहुँच गए और गंगा जी तो गंगा जी जैसा ही होता है, ढेर सारा पानी। ये रहा मुन्ने पागल उगल हो गई है का। गुड इवनिंग हेलो, यहाँ पे गोईठा है, गोईठा खाना पीना बनाने के लिए। वैसे सीरियसली गोईठे पे जो खाना बनता है ना चूल्हे पे, उससे ज्यादा टेस्टी और कोई खाना नहीं हो सकता है। पागल हो गई ये सब। ये राम गंगा जी सूख गया, गंगा जी का क्या हाल हो गया है? गंगा जी का हाल हो गया, बोला थे ना अच्छा से पूजा भी नहीं। बाप रे, तो हमने देख लिया गांव मतलब गंगा जी। अब वो गंगा जी पहले जैसा नहीं है, पहले उसमें इतना ज्यादा पानी होता था, बट अभी के टाइम में उसमें पानी तो है ही नहीं। इससे ये हमें सीखने को मिलता है कि आने वाले टाइम में पानी की सच में किल्लत हो जाएगी। क्यों इतना गंदा पानी है ना कुछ, मतलब थोड़ा सा पानी है तो वो मिट्टी मिट्टी सा ही रहेगा, ये तो नॉर्मल सी बात है। अगर ज्यादा पानी हो तो पानी क्लीन भी होता है, बट चलो जो है सो है। तो ये है, ये पंडाल बना हुआ है यहाँ का गृह प्रवेश का। अंदर नाश्ता पानी का इंतजाम होया हुआ है। नहे मेहमान जी चलू ना अपने के सब बोलवाइयन, चलू नेपालिया बहन इतना ना खाई है कि वहाँ पे देख सकते कितना घिसपट्टी था। ये इसका
इसका बेइज्जती करिए आप लोग कमेंट में। इसका कितना सारा खाना मम्मी, मेरे में इतना सा डालना बस। हाँ मनी, इतना खाओगे? जबरदस्ती रख दी है, मेरा नहीं है। लेकिन आपके प्लेट में ही रखा हुआ है। बाप रे, पांचों खा गया ही था। पापा शुगर होया हुआ है ना आपको? पापा खाली मिठाइयाँ खा रहे हैं। 10 मिठाई खाए हैं। ये रहा सच्चे में पापा? पापा आप नहीं खा सकते आप मिठाई। खा गया और पेट में चला। पता है क्या हुआ है पापा? और आप तो बस छोड़ ही दो यार, तुम खाने दो चुपचाप यार, तुम जाओ। तू खा, उठा तो नहीं खाएगी। उठा एक ले लेते हैं। ले ले ना, आकर अब फिर घोड़े लेके नहीं जाएंगे हम, नहीं जाएंगे, चल जाए हम इतने से। बस कीजिए, अब मत खाइए, तू खा ले ले। चौड़ियों खाइएगा मनी, अभी 2-3 को मनी। अब आप एक को जो उठा लिए तू अपन होते ठोस। कैसे रोस गार गार के जबरदस्ती खा रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं, खाएंगे जरूर। अगर चिबाने में दिक्कत होगा तो कभी आदमी है, चिबा चिबा के खिलाएगा। ना भी पूरा।